BYD ने अपनी E-Max 7 लॉन्च कर दी है, आपके सामने है, और इसकी कीमत है 26,90,000 से, और जो इसकी टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत है 29,90,000 रुपया। कंपनी इसके दो वेरिएंट लॉन्च की है, एक है स्मॉल बैटरी पैक जिसकी कैपेसिटी है 55.4 किलोवाट और उसकी रेंज है कितनी, 420 किलोमीटर। जो टॉप मॉडल है उसमें जो बैटरी पैक लगा हुआ है 71.8 किलोवाट, और जो बैटरी है जिसके लिए BYD जानी जाती है वो है ब्लेड बैटरी, और उसकी जो रेंज है टॉप वेरिएंट की 530 किलोमीटर। जबकि जो पहले E-Max जो आती थी E6 उसकी रेंज थी 520, यानी 10 किलोमीटर की रेंज थोड़ी सी बढ़ चुकी है। और मैं आपको बताऊं कि इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो है स्पेस। स्पेस इसलिए क्योंकि इसमें जो व्हील बेस का साइज है वो है 2800 mm, और इसी वजह से ये इनोवा को भी पीछे छोड़ देती है स्पेस के मामले में, खासकर इंटीरियर में। और इसमें 6 सीट 7 सीट का ऑप्शन मिलता है, जबकि पहले जो E6 आती थी उसमें सिर्फ 5 सीट का ही ऑप्शन मिलता था। जो E6 और जो E-Max 7 आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, कुछ कॉस्मेटिक, कुछ टेक्नोलॉजी और कुछ नए फीचर्स का इसमें फ़र्क है। जैसे जो फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको जो सेफ्टी फीचर्स हैं 6 एयरबैग और डास के सारे फीचर्स में दिए गए हैं, और इसी वजह से जो E6 से ये E-Max से थोड़ी सी बेटर है। कीमत E6 से कम है क्योंकि जो बैटरी के प्राइस है वर्ल्ड वाइड, जो मोटर के प्राइस हैं वर्ल्ड वाइड वो कम हो चुके हैं, इसी वजह से कंपनी इसकी प्राइस भी कम रखी है। और मैं बताऊँ इसमें एक और खासियत है, इसमें जो मोटर है उसमें दो मोटर पैक है क्योंकि दो वेरिएंट है, पहला है 120 किलोवाट और दूसरा है 150 किलोवाट, और 150 किलोवाट का अगर हम कन्वर्ट करते हैं HP में तो हो जाता है करीब करीब 200 हॉर्स पावर, और टॉर्क मत पूछिए 310 से भी ज़्यादा। और इसमें जो मोटर लगे हैं वो काफ़ी इंटीग्रेटेड मोटर हैं, यानी मोटर कंट्रोलर BMS और जो DC फास्ट चार्जर, जो AC फास्ट चार्जर है, सबको मिला करके कंबाइंड करके बनाया गया है, और एक कूलिंग सिस्टम है, इसी वजह से आप इसे किसी भी टेरेन में चलाएं बहुत स्मूथ चलती है। आप देखना होगा कि BYD की जो E-Max 7 है इनोवा को कैसे टक्कर देती है, या फिर जो MPV के खरीदार हैं उनको अपनी तरफ कैसे खींचती है।